किसान मित्रों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसर का टॉप 5 मॉडल, जो कि इंडिया में हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। एसर का टॉप 5 हमने मात्र 5 ही ट्रैक्टर कवर किया है एसर का, जो कि हर तरह से पॉपुलर है। किसानों को माइलेज के हिसाब से बना है, मेंटेनेंस खर्चा के हिसाब से हमने कवर किया है, जो कि यह ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा किसानों का पसंद बना हुआ है। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपने उस वीडियो हर ट्रैक्टर का कीमत भी जानेंगे, साथ में उसके फीचर भी जानेंगे। एक वीडियो में ही आपको 5 ट्रैक्टर का रिव्यू देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, जिससे आप जान सकेंगे कि एसर ट्रैक्टर में क्या खासियत होती है, कौन कौन से भारत में एसर की पॉपुलर ब्रांड है। उससे पहले जो हमारे नए किसान मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास में हरी घंटी भी जरूर दबाएं। तो किसान मित्रों, एसर ट्रैक्टर की सीरीज में सबसे पहला नंबर में आता है एसर 368। आपने जरूर देखा होगा, ये ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हर एरिया में देखने को मिलता है। इस ट्रैक्टर की खासियत की बात करें तो ये 40 HP में ट्रैक्टर आता है। वही अगर इसकी सिलेंडर की बात करें तो ये 3 सिलेंडर में ट्रैक्टर आता है। वही अगर इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 45 लीटर का इसमें फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिलता है, जो कि अच्छा है। 45 लीटर सामान्य फ्यूल कैपेसिटी आ जाता है। वही अगर इसकी गियर की बात करें तो 8+2 गियर देखने को मिलता है, मतलब 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाता है। उसके बाद इस ट्रैक्टर की सीसी की बात करें तो इस ट्रैक्टर में 2500 सीसी देखने को मिलता है, जो कि सामान्य ट्रैक्टर के हिसाब से अच्छा सीसी देखने को मिल जाता है, जो कि मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा इस कैटेगरी की सीसी में देखने को मिलता है। वही अगर इसकी कीमत की बात करें तो मार्केट में इसकी कीमत है 5,30,000 से स्टार्ट हो जाता है, जो कि थोड़ा बहुत 5,80,000 तक जा सकता है। तो इस तरह से सबसे पहला आ जाता है ये एसर का। उसके बाद हमारा दूसरे नंबर में आता है एसर 242, जो कि एसर 242 एकदम छोटा ट्रैक्टर है। इसको हम गार्डन ट्रैक्टर भी कह सकते हैं और छोटे किसानों के लिए है, जो कि एकदम सामान्य काम करते हैं। एसर 242 ट्रैक्टर की सिलेंडर की बात करें तो ये सिंगल सिलेंडर के साथ आता है, 1 सिलेंडर देखने को मिलता है। वही अगर HP की बात करें तो 25 HP ट्रैक्टर में आता है, जो कि 25 HP ये ट्रैक्टर है। वही अगर इसकी गियर की बात करें तो इसमें आपको 8+2, मतलब 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर देखने को मिलता है। और सीसी की बात करें तो 1557 CC इस ट्रैक्टर की देखने को मिलता है। वही अगर इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो फ्यूल कैपेसिटी आपको देखने को मिलता है इसमें 35 लीटर का। तो 25 HP ट्रैक्टर में फ्यूल कैपेसिटी 35 लीटर देना अच्छी बात है, मतलब ठीक ही है। इसका एवरेज बात करें तो फ्यूल कैपेसिटी हमको इस हिसाब से अच्छा देखने को मिल जाता है। वही अगर इसकी क्लच की बात करें तो ये सिंगल क्लच के साथ आता है। और लास्ट होता है इसकी प्राइस की, तो इसकी कीमत के बाद की बात करें तो इंडियन मार्केट में इस ट्रैक्टर की कीमत अभी फिलहाल 3,85,000 के आसपास चल रहा है, मतलब मोटा मोटा हिसाबे तो 4,00,000 के करीब इस ट्रैक्टर की कीमत है। और माइलेज इस ट्रैक्टर में अच्छा है दूसरे ट्रैक्टर के हिसाब से। सामान्य अगर बड़ा किसान नहीं है, छोटा मोटा खेती करना है, तो आप ये ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला नंबर आता है एसर का टॉप 5 ट्रैक्टर में एसर 548। आपने ज़रूर देखा होगा एसर 548 काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ये थोड़ा ऊपर एसर ट्रैक्टर में थोड़ा ऊपर लेवल का ट्रैक्टर आ जाता है, जो कि 48 HP ट्रैक्टर के साथ आता है। वही अगर इसकी सिलेंडर की बात करें तो हमको इसमें 3 सिलेंडर देखने को मिलता है, बाकी और हमने कवर किए उसमें भी लगभग 3 सिलेंडर ही है, तो 3 सिलेंडर देखने को मिल जाता है। और इसमें सीसी की बात करें तो लगभग 2900 के आसपास इसका सीसी आपको देखने को मिल जाता है। और गियर की बात करें तो इसमें 8+2 गियर वही देखने को मिलेगा, सामान्य 8+2 गियर देखने को मिलता है, 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर। उसके बाद इसकी क्लच की बात करें तो ये पूरी तरह से डुअल क्लच में आता है, तेल में डूबे हुए ब्रेक के साथ आता है। उसके बाद इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो फ्यूल कैपेसिटी भी सामान्य ट्रैक्टर के हिसाब से इसमें अच्छा देखने को मिलता है, 45 लीटर का आपको इसमें फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। उसके बाद इस ट्रैक्टर की ऑन रोड प्राइस, भारत में इसकी कीमत की बात करें तो कीमत आपको देखने को मिलेगा 6,20,000। तो 6,20,000 के आसपास ही इसकी कीमत दौड़ते रहेगा, मतलब इसके आसपास ही देखने को मिलेगा, मतलब 6,50,000 के आसपास भी जा सकता है। क्योंकि क्या पता भैया, अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स ले सकती है, बहुत अंतर हो जाता है, 20-30,000 आराम से फर्क पड़ सकता है इतनी महंगी सामान लेने पर। उसके बाद हमारा अगला नंबर आता है टॉप 5 ट्रैक्टर में एसर 557। तो एसर 557 आपने हर एरिया में देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा इसका डिमांड है एसर 557, जो कि थोड़ा
मिड रेंज का ट्रैक्टर आता है, ये 50 HP ट्रैक्टर में आता है। उसके बाद इसकी सिलेंडर की बात करें तो ये 3 सिलेंडर में ट्रैक्टर आता है। वही अगर इसकी सीसी की बात करें तो सीसी दूसरे ट्रैक्टर, मैंने पिछले ट्रैक्टर कवर किया है, उससे ज़्यादा देखने को मिलता है इसमें सीसी, 3300 इसमें सीसी देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा हाई लेवल का आ जाता है। उसके बाद इसमें लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो आपको 1500 केजी इसमें लिफ्ट कैपेसिटी देखने को मिलता है, वजन उठाने की क्षमता। उसके बाद इसमें क्लच की बात करें तो डेफिनेटली बात है 3 सिलेंडर 50 HP कैटेगरी है, मतलब इसमें आपको डुअल क्लच देखने को मिलता है, तेल में डूबे हुए ब्रेक के साथ आता है, पूरी तरह से डुअल क्लच है। उस ट्रैक्टर की खासियत यह है कि इसमें मेंटेनेंस खर्चा हमको काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो ऐसा आपको लेना है तो 557 आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस खर्चा हमको बहुत कम देखने को मिल जाता है। वही अगर इसकी प्राइस की बात करें तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था 48 HP, तो ये है 50 HP, तो अंतर थोड़ा सा हो जाएगा, 20-30 हज़ार का अंतर देखने को मिलता है। तो इस ट्रैक्टर की कीमत की बात करें तो 6.5 लाख से ही स्टार्ट होता है। पिछले ट्रैक्टर हमने 48 HP में बात किए थे वो 6,20,000 के आसपास हो रहा था, तो इस हिसाब से 30,000 का फर्क इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाता है। बाकी परफॉर्मेंस में उससे ज़्यादा ये ट्रैक्टर में अच्छा देखने को मिल जाता है ऐसर 557 में। उसके बाद हमारा टॉप 5 ट्रैक्टर में लास्ट नंबर में आता है ऐसर 485 हर एरिया में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है मध्य प्रदेश, इधर बिहार और इधर हरियाणा में। पंजाब में तो 68 वाला देखने को मिलता है 50 HP वाला। इस ट्रैक्टर की बात करें तो बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा इन सब में ज़्यादा देखने को मिलता है। यह 3 सिलेंडर में ट्रैक्टर आता है। HP की बात करें तो 45 HP यह ट्रैक्टर आ जाता है, और वही इसकी CC की बात करें तो 2945 CC देखने को मिलता है इस ट्रैक्टर में। वही अगर इसकी गियर की बात करें तो इसमें 8+2 गियर देखने को मिलता है, 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाता है। वही अगर इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो फ्यूल कैपेसिटी आपको दूसरे ट्रैक्टर्स के कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा, 48 लीटर का इसमें फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसकी कीमत की बात करें तो कीमत आपको थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिलेगा, 6 लाख के आसपास इसकी मार्केट में कीमत है, 6,10,000, जो कि मार्केट के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। तो इस तरह से हमने ऐसर के सारे अच्छे ट्रैक्टर कवर कर लिए हैं। आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है ये हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसर का जो भी हमने फेमस मॉडल है इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किए हैं। बाकी आपको और कौन सी वीडियो देखनी है आप नीचे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए हम ज़रूर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।